जी मैडम, ये फोर्स कन्वर्शन की जो सूरत हाल है ये पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बहुत भयानक सूरत हाल हो चुकी है। आप इसके लिए क्या करना चाहती हैं या क्या सोचती हैं आपके आप अपने कौम के लिए, माशरे के लिए हम क्या कर सकते हैं? जी मैं ये मेरा ये ख्याल है कि फोर्स कन्वर्जन जो है ये ग्रेजुअली इट हैज बिकम अ वेरी सीरियस इशू, और स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए, जहाँ हम ये मुल्क जो है वो माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोटेक्शन देता है, वहाँ फोर्स कन्वर्जन हॉरिबली बढ़ता जा रहा है। और इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि बड़ी सीरियसली वी नीड टू ड्राफ्ट एनी मतलब लॉ, और उसका लीगल फ्रेमवर्क हो, लेजिस्लेशन आप कोई करें, और कुछ ना हो तो इसके ऊपर एक लीगल डिबेट स्टार्ट की जाए, सोसाइटी को सेंसिटाइज किया जाए कि फोर्स कन्वर्जन जो है वो किस कदर खौफनाक काम है, और किस तरह आप लोगों की बच्चियों को फोर्सबली कन्वर्ट कर रहे हैं एज मुस्लिम्स, और वो फिर मजबूर होती हैं कि वो बाद में रिवर्ट बैक नहीं कर सकती क्योंकि आपका जो सोसाइटी है और आपका जो कानून है वो उसकी इजाज़त नहीं देता। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं समझती हूँ कि स्पेशली हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर वो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैम एंड देयर जो बच्चे हैं माइनर, उनको बचाने के लिए स्पेशली लड़कियाँ जो हैं उनके लिए, मैं समझती हूँ वुमेन राइट्स के ऊपर भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चियों को किस तरह से फोर्सिबली मजबूर किया जाता है अपने घर बारों से, उनको अलहदा करके, उनको किडनेप करके, अगवा करके, और फिर ये फोर्सिबली उनको मुसलमान किया जाता है। सो मैं मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर इनिशियली एक लीगल डिबेट होनी चाहिए सो दैट वी कैन सेंसिटाइज द सोसाइटी पीपल एंड द स्टेट एज वेल, और फिर इसके ऊपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए। क्या आप समझती हैं कि हमारे जो सियासी और मजहबी लीडरशिप है वो इस सिलसिले में कोई मदद कर सकती है? जी मैं सदी करनी तो चाहिए उनको, लेकिन ज़्यादा भीड़ होती है ना, तो मुझे नज़र आता है कि जो क्लर्जी मैन है वो हर जगह एक जैसा है, और वो चाहे कोई भी मज़हब हो। सो मुझे लगता है कि इसमें एक दिक्कत ये भी है कि जो क्लर्जी है वो किसी भी मज़हब की है, वो क्लर्जी मैन उस मज़हब के जो है वो सबसे बड़े हिंड्रेंस हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं समझती हूँ कि अपनी कम्युनिटी के जो आप लोग हैं, जो मसलन क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, हिंदू कम्युनिटी के हैं, उनके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामेंट में चले तो जाते हैं लेकिन वो अपने लोगों के राइट्स के लिए वो उनको बांगे दोहल बोलना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको इसमें कोई हेजिटेशन करनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए, और दे कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।